बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग जी? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त रात के बज रहे हैं 9 जी। सख्त तरीन सर्दी पड़ रही है, बच्चों ने फरमाइश कर दी है बीजान कुछ मीठे का दिल चाह रहा है, तो बस जो भी राइस पड़े थे मैंने सोचा कि चले हम जो भी है राइस उसी के हम बना लेते हैं। ठीक है जी, तो हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं जी ज़रदा, सिंपल ज़रदा है क्योंकि इस वक्त रात का टाइम है और कोई ऐसे नट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ नट्स तो खाए जाते हैं घर में, नहीं अब रखे जाते। ठीक है जी, तो हम वैसे ही बनाएंगे विदाउट नट्स, ही देखिएगा कितने मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो हमने उसके लिए क्या किया जी, सबसे पहले हमने रख दिया जी पानी। ठीक है, आपको क्लियर करके दिखाते हैं। बल्कि पानी रखा, पानी में कलर डाला। ठीक है, पानी को बॉयल आया तो हमने चावल थे भिगोए हुए थे वो हमने डाल दिए। ठीक है, ये देखिए जी चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हमने इसको क्या करना है, पानी निकाल देना, ड्रेन करना है और हमने चीनी डाल के फिर राइस डालेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल इंस्टेंट सा बना रहे हैं ये ज़रदा। ये देखिए जी, हमने चीनी डाली है और चीनी के अंदर सॉरी पहले ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर हमने इलायची डाल दी। ठीक है जी, ये इलायची 5-6 हमने डाल दी कड़कड़ा के, उसमें हमने चीनी डाली और चीनी के साथ ही हमने ऐड कर देना है ये जो राइस हमने जो बॉयल किया है ना। ठीक है, अगर तो हमारे पास वो है ना क्या कहते हैं योगर्ट होता है, इस वक्त आप योगर्ट डालते। ठीक है जी, तो नहीं है तो ये इंस्टेंट वाला है तो कोई ऐसी बात नहीं, हर चीज़ के बगैर हम बनाएंगे। ठीक है जी, इसको अच्छा सा मिक्स करके रखेंगे और तेज़ आंच करेंगे 3-4 मिनट। ठीक है जी, ये ऐसे किए चीनी के पानी में ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद हमने इसको जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये है कि इसके अंदर हमारे पास घर से किशमिश निकल आई थोड़ी सी, तो हमने सोचा चले किशमिश डाल देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको दम पर रखेंगे और ये 15-20 मिनट दम पर होगा और ज़बरदस्त ये ज़रदा हमारा जो रात के मूड का है ज़रदा, यानी कि रात को भी दिल चाहता है। आपको पता है सर्दी है ना बहुत ज़्यादा पंजाब में, जब सर्दी पड़ती है तो दिल चाहता है कोई मीठी चीज़ हो, तो हम कोई भी मीठी चीज़ बना लेते हैं। उसके लिए ये नहीं होता कि ये चीज़ नहीं मिल रही तो अब नहीं बनेगा, तो जो मेरी आदत है जो चीज़ भी घर में होती है मैं डाल के और बना लेती हूँ, ज़बरदस्त और ज़रदा भी आप सब रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, पड़ रही है जी सख्त सर्दी है और मुझे इसको सख्त तलब हो रही थी जर्दे की, तो हम तो जी बना रहे हैं जर्दा और इस वक्त काफ़ी लेट भी हो चुके हैं। इस टाइम तो तकरीबन पंजाब में खाना ना खा के लोग बिस्तरों में होते हैं, लेकिन मैं बिस्तर से बाहर आ गई हूँ क्योंकि मोइस का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था कि बीजान जी जर्दा बनाए। तो मैंने देखा इतने राइस तो रखे हुए थे, थोड़ी सी किशमिश भी निकल आई, चले जी ये भी है तो आराम से हम बना लेते हैं जर्दा। अपने बेटे की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी, अपना भी ज़रा सा थोड़ा सा मीठे खाने का दिल चाह रहा था, तो चलें जी दोनों ही अपना दिल बहलाते हैं जर्दे से माँ बेटा। ठीक है जी, तो फिर हम बना रहे हैं। ठीक है मोइस, तो जर्दा कहाँ पर आ गया, दम पर आ गया। बस जर्दे को दम लगेगा और आपको दिखाते हैं कैसे हमारा दिल चाहता है जिस चीज़ का, अपने दिल को वो तो वो नहीं करते, यानी कि परेशान नहीं करते, हम दिल की बात फ़ौरन मानते हैं जी। कभी हमारा दिल कहता है गुलाब जामुन बनाओ, कुछ नहीं होता, हम ब्रेड पड़ी हो ब्रेड की बना रहे थे, सूजी पड़ी हम सूजी की गुलाब जामुन बना रहे थे, तो इसी तरीके से हम लोग चीज़ें बनाते होते हैं। तो अभी हम शेयर करेंगे आपके साथ ज़बरदस्त आज का जर्दा। अच्छा, जब तक हमारे जर्दे को लग रहा है दम और तब तक हमारे मियाँ साहब देखें जी हमारे लिए लेकर आए हैं गाजर का हलवा, ज़बरदस्त देसी घीओ में बना हुआ ये गाजर का हलवा है, बहुत ही टेस्टी। तो आज उनकी हैप्पी टू यू थी तो उन्होंने केक भी खिला दिया। ले जी, मुँह भी मीठा हो गया हमारा, हमने वैसे ही जर्दा भी बना लिया। चलिए जर्दा बना होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म करके खाते रहेंगे जी सर्दी में। तो अभी आपको हम दिखाते हैं अपना जर्दा जो रेडी हो गया है। तो जी हमारा जर्दा जो बिल्कुल रेडी है और हमें थोड़ी सी ना खुरचन भी रखते हैं, मैंने ना जर्दे की ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड साइड पे, तो ये मोइस की फरमाइश पे मैंने रखी है, मोइस को बहुत पसंद है जर्दे की खुरचन, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो बहुत ही टेस्टी सा जर्दा बन गया। तो उसको प्लेट पर निकालते हैं आपको फिर दिखाते हैं जी। अच्छा जी, हमारा ये इंस्टेंट सा जो जर्दा है वो बन गया है और ये मोइस के हाथ में जी प्लेट है और मोइस जो है वो इंजॉय करने के मूड में फुल। ठीक है जी, तो मोई साहब कह रहे हैं इसमें खुरचन भी डालें। ठीक है जी, अब हमारा ये जर्दा रात को बड़े इंस्टेंट सा बनाइए, तो जब भी दिल चाह हमने बना लिया। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।